आप सबका स्वागत है अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में। तो दोस्तों अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में राही जा रही है घर छोड़कर रात के अंधेरे में जब सब सो रहे हैं दोस्तों, है ना। तो रात के वीराने में जब राही जा रही होती है, इतने में 5-6 गुंडे बदमाशों से घेर लेते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अकेली राही को 5-6 गुंडे बदमाश घेर लेते हैं। इतने में आ जाता है टेंटन अपना हीरो उसे बचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अपना हीरो आ जाता है उसे बचाने के लिए और गुंडे बदमाशों की कर देता है छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, गुंडे बदमाशों को लगाता है पिटाई और सारे गुंडे बदमाश जो है वो दुम दबाकर भाग जाते हैं, है ना। इतने में दोस्तों राही बेहोश हो जाती है क्योंकि दोस्तों राही को है बहुत ही तेज बुखार। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही तेज बुखार हो गया है राही को, है ना। अब गुंडे बदमाशों को तो अपने हीरो ने मार के भगा दिया है, है ना। तो अब राही को दोस्तों वो गोद में उठाकर लेके जाता है अनुपमा के घर। लेकिन दोस्तों जब वो अनुपमा के घर जाता है तो वो देखता है कि अनुपमा के घर के बाहर तो बहुत ज्यादा भीड़ है और वो अगर सीधे रास्ते से अनुपमा के घर के लेके जाएगा तो लोग गलत सोचेंगे राही के बारे में। तो दोस्तों वो क्या करता है, राही को अनुपमा की जो गौशाला है वहां पर लेके सुला देता है, ठीक है। और वहीं पर वो भी रात भर रहता है, राही की देखभाल करते रहता है। इतने में जब सवेरे अनुपमा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि राही तो घर पे नहीं है, कहाँ चली गई राही, कहाँ चली गई। तो दोस्तों उसके बाद जो है दोस्तों वो गौशाला में आती है गाय की आवाज़ सुनकर, तो वो देखती है कि राही वहां पर सो रही है। इतने में अपना हीरो भी जाग जाता है और वो बताता है कि रात में ऐसा ऐसा कांड हो गया था, तो वो राही को यहाँ पे उठा के लाया था ऐसे करके, है ना। राही मतलब राही की सुरक्षा किया है ऐसे करके। तो अनुपमा जो है अपने हीरो को थैंक यू बोलती है और इतने में राही की नींद खुल जाती है दोस्तों। उसके बाद होता है बहुत बड़ा बवाल। तो आगे अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।